ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायत कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेशे नमो नाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिय नवीन निरद श्याम निलंबे वरलोचन यशोदानंद नौमी कृष्ण गोपाल रूपिणा निलोत्पलदल श्याम जसोदानंद नंदन गोपिका नयनानंद गोपाल प्रणमा गोपिका नयनानंद गोपाल प्रणमा। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपतकस्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाय गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीर नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिरं मुखं करोति वाचाल पङ्गुलं हयत गिरि यत्कृपातमहाबन्धु श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्यईश्वरं परमानंद माधव परमानंद माधव परमानंद माधव। हरे कृष्णा। रविवार का फेस्टिवल क्लास में आप सबको स्वागत है। तो संख्या कम है, लग रहा है कि इसका कारण प्रभुपाद है ना। प्रभुपाद ने गीता मैराथन रखा, सारे भक्त उसी में लगे हुए हैं। मुझे तो आप लोग के अंदर से कौन कौन जाते हैं गीता कोचिंग करने में? आज गए थे? आज नहीं गए? बाकी कोई नहीं गए? आप नहीं कर रहे हैं? मैं अलग से कर रहा हूँ। कर रहे हैं तो भगवद गीता यथाजथ बोलने ये क्या है? भगवद गीता क्या है कौन कह सकता है एक लाइन में? हाँ जी, भगवान का गाया हुआ गीत।
सभी का एक ही मत है ना, और कुछ अलग है बताइए। साक्षात भगवान ही है। अच्छा, और ये तो अपने से तो वही मीनिंग है, ही आता है भगवान का है। और जीवन का सार, गुड। और जीवन जीने का तरीका, सारे वैदिक स्रोत का सार है, सेंस ऑफ वैदिक। ये तो ठीक है, भगवान का गाया हुआ गीत है, वैदिक शास्त्रों का सार है, गीता उपनिषद है, साक्षात भगवान है, सब कुछ ठीक है, पर हमारे लिए क्या जरूरी है? तो इसका अर्थ बताइए, हम क्यों पढ़े और क्यों बांटे इसको? भगवान तो बहुत सारे गाना गाए हैं, भगवान ने बहुत सारा वेद वेदांत लिखे हैं, भगवान का मुख ही है, मुख्य आया है। तो गीता में ऐसा क्या है कि हम गीता को गीता मैराथन कर रहे हैं आजकल, है ना? गीता में क्या होता है क्या ये इसका? क्यों पढ़े हम, क्यों प्रचार करें हम गीता का, है ना? ये जानना चाहिए ना, तब जाके प्रचार करेंगे। ये दो प्रचार कर रहे हैं इतने में, 30-35 बंदा से दो कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं ना, इधर भी किए हैं, तो क्यों करना है? हम तो पहले जान लेना चाहिए जो हमारे क्या उपकरण में आता है ना? तो एक लाइन है, सर्व रोग निरामय महौषधि, सभी प्रकार रोग, सभी प्रकार परेशानी को निवारण करने वाले महौषधि, औषधि है। हम जो बीमार में पड़ते हैं तो दवाइयां खाते हैं, है ना? पर अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई खाते हैं, अलग अलग परेशानी के लिए हम अलग अलग बंदा के पास जाते हैं, उसकी सहायता लेते हैं, है कि नहीं? कभी एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं दंगा हो गया वकील के पास जाते हैं, है ना? कोई क्या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। तो अलग अलग जो बीमारियां हैं, अलग अलग जो आवश्यकता है, अलग अलग जो हमारी समस्याएं हैं, ये सब समाधान करने के लिए हम अलग अलग व्यक्ति के पास जाते रहते हैं, है ना? परंतु भगवत गीता यथाजथ एक ऐसा ही ग्रंथ है जो ग्रंथ में हमारे सारे समस्या का समाधान है, सारे रोगों का, सारे जितने भी हमारी आवश्यकता है, सारे आवश्यकता का समाधान इस गीता में है। तो इसलिए सर्व रोग निरामय महौषधि, औषध खाते हैं तो एक ट्रायल करते हैं, एक औषध में काम करता है तो नहीं तो कर भी नहीं था तो दूसरा औषध लेते हैं। बीमारी एक है पर दवाइयां काम नहीं करता तो अलग अलग लेते हैं, पर ये महौषधि काम करेगा ही करेगा, नहीं करने का सवाल ही नहीं है, है ना? क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नहीं, भगवत गीता का जो उत्पन्न हुआ है, जब गीता प्रकाश हुआ है, वो परिस्थिति को आप समझिए, पास है आपका ये स्थान, कुरुक्षेत्र धाम आपका पास ही है। ये कुरुक्षेत्र धाम पे भगवान ने गाया था ये गीत को, ये उपदेश को भगवान ने दिया था, कौन सा परिस्थिति में दिया था, वो परिस्थिति को थोड़ा आपके सामने रखो। कैसा परिस्थिति में? जब कौरव और पांडव दोनों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर समावेत हुए हैं पूरी अस्त्र शस्त्र के साथ, है ना? केवल अपेक्षा है, क्या अपेक्षा था, कौन सी अपेक्षा कर रहे थे दोनों सेना? विजय होने की नहीं, अभी तो विजय का दूर की बात है, युद्ध होने तो विजय होगा, युद्ध की सायरन को, सतर्क घंटी को अपेक्षा कर रहे थे, घंटी बज जाएगा युद्ध शुरू हो जाएगा, और जब युद्ध होगा तब क्या होगा पता नहीं क्या होगा। जब बंदूक चला देते हैं हम
बंदूक जाएगा और क्या करेगा किसको पता है। तो ये बंदूक से एक गोली निकल रहा है और यहाँ कितना अक्षौणी सेना एक साथ युद्ध शुरू करेंगे तो कैसा भयानक परिस्थिति देखो, है कि नहीं। एक साथ अनेक व्यक्ति युद्ध करने वाले हैं, कैसा भयंकर परिस्थिति, पता नहीं किसका जीवन रहेगा और किसका जाएगा, किसका जय होगा किसका विजय होगा। इसी परिस्थिति में समझ रहे हो ना, जीवन में हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति कभी आया नहीं होगा। हम बातें करते करते किसके साथ लड़ाई हो जाता है ना, रास्ते में जाते हैं कभी एक्सीडेंट हो जाता है, घर पे सम दो भाई के साथ जमीन जमान के लिए समस्या हो जाता है, पर अस्त्र शस्त्र के साथ हम खड़ा नहीं है कि युद्ध के लिए, ऐसा समस्या आया किसी का नहीं आया, आएगा भी नहीं किसका। ऐसी परिस्थिति में भगवान अर्जुन को धर्म के उपदेश दे रहे हैं, धर्म के बारे में कह रहे हैं। भगवद गीता क्या है, साक्षात धर्म है ना, कैसे उसके शुरू में देखो धर्म है, बीच में धर्म है, अंत में भी धर्म है। शुरू में क्या धर्म है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बीच में क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जगे जगे, अंत में क्या है, सर्वधर्म परित्यज्यक। सुनने में तो अजब अजब लग रहा है ना, धर्म क्षेत्र कह रहे हैं वहां युद्ध हो रहा है, भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म स्थापन करने के लिए आ रहा हूं, वही कह रहे हैं कि इधर सर्वधर्म को त्याग कर दो, है ना। सुनने में थोड़ा अजब अजब नहीं लग रहा है, तो ये धर्म है क्या चीज, धर्म है क्या चीज, यही जानना चाहिए। हम तो सारे कहते हैं ये स्कंद धर्म है, ये हिंदू सनातन धर्म है, ये सिख धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, कहते हैं ना, तो ये धर्म है क्या चीज, ऐसे अलग अलग कैसे हो रहा है। वास्तविक हम धर्म को नहीं जानते हैं, हम अपना मत देते हैं, इसलिए भगवान अंत में कहते हैं सर्वधर्म परित्यजा। तुम जिसको धर्म समझ रहे हो, तुम्हारे ज्ञान में जो धर्म है वो सारे धर्म को छोड़ दो, असली धर्म क्या है, है ना, सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्म को त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ, असली धर्म वही है। वो कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान के शरण में, एक श्लोक में पढ़ता हूँ भगवद गीता में, उसके फिर आगे चलेंगे। लिखा रहता तो अच्छा होता नहीं, पर अभी समझ रहा हूँ। भगवद गीता व गीता का सार अध्याय 2 श्लोक नंबर 7, किसका मोबाइल में है तो निकालो। लिखा नहीं है तो कम से कम मेरे साथ एक एक शब्द ही पढ़ लीजिए, बाद में जिसको जो ये आएगा पढ़ेंगे। हाँ जी ठीक है, निकाल दिया। कार्पण्या दूषा उपहृता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढा चेता जत श्रेया स्या निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्या अहम् साधि मां त्वां प्रपन्ना। कार्पण्यदोष उपहृत स्वभाव, कार्पण्यदोष उपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता
पृच्छामि त्वं धर्म संमुदचेतां यत्श्रेयस्यात् निश्चितं गृहीतत्मे यत्श्रेयस्यात् निश्चितं गृहीतत्मे शिष्याते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम् शिष्याते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम् अर्पण्य दोषापहृत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म संमूढचेतां यत्श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहितत्मे शिष्यासतां स्वधिमां त्वं प्रपन्नम् कर्पण्यदोषोपहृतस्वभाव स्वामित्वं धर्म संमूढचेतां माता जी कहे कर्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म संमूढचेतां यत्श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहीतत्मे शिष्यास्त्वं साधिमां त्वं प्रपन्नम् बोलिए मेरे पीछे पीछे अर्जुन कह रहे हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसे अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा। क्या कह रहे हैं जे मैं अभी भूल चुका हूँ क्या मेरा धर्म मेरा धर्म भूल चुका हूँ। जब हम देखें दोनों पक्ष में लड़ते आए हुए जो योद्धा थे सबको देख के उनका मन में एक परेशानी तैयारी हुआ परेशानी सृष्टि हुआ। किं कर्तव्य विमूढ़ क्या करेगा नहीं करेगा वो सोच नहीं पा रहे थे। कौन अर्जुन कौन थे अर्जुन पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है ना और सशाघरा पृथ्वी का राजा युधिष्ठिर महाराज का भाई है।
इस व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति अर्जुन किन कर्तव्य भी मुड़ा हो जाता है, भूल जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे अवस्था क्या हो सकता है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, सर्वशक्ति संपन्न है और एक राजा, विशाल राज्य राजा का भाई है, ऐसे व्यक्ति अगर धर्म संकट में आ जाते हैं तो हमारे क्या अवस्था हो सकता है। तो यहां धर्म का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य। हम यही नहीं जानते, इसलिए कहते हैं कि ईस्कंद का धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है, कर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही धर्म है। धर्म कोई स्वतंत्र चीज नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर लास्ट में भगवान दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय 7 नंबर श्लोक में प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर दे रहे हैं लास्ट में, क्या मेरे शरण में आ जाओ। कितना सिंपल है, किसको कह रहे हैं, अर्जुन को, जिसके सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, अगर उनके इतना कैपेसिटी है, 300 में सिक्योरिटी लेके क्यों घूम रहा है, कुछ नहीं है, पर बोल रहा है मुमकिन है, क्या कर सकता है, नहीं ना। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाना, यही धर्म है, यही समझ लो। हम कभी कभी कहते हैं इस्कंद में यही चलता है, यही धर्म, इस्कंद धर्म है, यही आ गया। तो इस्कंद एक धर्म है क्या, धर्म मतलब तो हमारा कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। तो इस्कंद धर्म में जो व्यक्ति है ये कोई स्वतंत्र पहचान है उनका, वो तो साधारण कर्मी जैसा भी, हम भी ऐसे ही है, हम भी सुबह उठते हैं अपना अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती में जा रहा है, सब कुछ तो कर रहा है। पर एक कर्मी और एक भक्त में क्या अंतर होता है, अगर धर्म स्वतंत्र होता तो अलग कुछ होता ना। धर्म मतलब कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, धर्म का अर्थ है कि कर्तव्य, यथार्थ कर्तव्य जान लेना ही धर्म है। वो यथार्थ कर्तव्य क्या है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम जो अपने मन में जो सब रखे हो, बीच में बहुत सारे चीज बोले ना, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं बहुत कुछ कहे, ये जो सारी चीज तुम सोच रहे हो, सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम सोच रहे हो यह कारण है कि तुम अहंकारी हो, तुम सर्वशक्तिशाली हो, ये अहंकार है, तुम एक राजा का भाई है, ये अहंकार है, तुम मेरा अनन्य भक्त है, ये अहंकार है, इसके वजह तुम बहुत कुछ सोच रहे हो, इसलिए तुम कर्तव्य अकर्तव्य संबंध में समझ नहीं पा रहे हो। जो सब कुछ परित्याग कर दोगे तब समझ जाओगे कि वास्तव धर्म क्या है। तो वास्तव धर्म है भगवान का शरण में आ जाना। इस शरण में आएंगे कैसे, वही इस श्लोक में कह रहे हैं, साधि मान त्वं प्रवर्णम शिष्य तम अहम। पहले क्या होना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, भगवान का शिष्य बनना पड़ेगा। और शिष्य बनने के बाद क्या करना है, शरणागत में जाना है, फिर भगवान समझाएंगे, समझाने के बाद अंतिम में हमको
अपना चरण कमल प्राप्त कराएंगे, है ना। तो शिष्य बनना है भगवान का, अभी भगवान तो कहाँ है, भगवान का कैसे शिष्य बने, तो यही जानना चाहिए, है ना। इसलिए अंतिम में क्या कहे भगवान, मामकम शरणं ब्रज। ब्रज शब्द का संस्कृत शब्द अर्थ है जाओ, मेरे शरण में जाओ। जाओ क्यों कहा गया, कोई कहा कि मेरे शरण में जाओ, मेरे शरण में आओ, है ना। हम क्या कहते हैं, सुनने में व्याकरण का तो त्रुटि नहीं लग रहा है, मैं कहूँ मेरे पास आओ, ये सही है कि मैं कहूँ मेरे पास जाओ, कौन सा सही है, आओ ना। तो भगवान क्या गलत कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जाओ, क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि मेरा प्रत्यक्ष रूप, मैं प्रत्यक्ष रूप में सर्वदा प्रकट नहीं रहेगा, परंतु मैं मेरा भक्त के रूप में सदा सर्वदा ये जगत में प्रकट रहेगा, इसलिए मेरे भक्त का शरण में जाना है। तब भगवान हमेशा तीन रूप में प्रकट रहते हैं, सचल विग्रह के रूप में, सॉरी अचल विग्रह के रूप में, सचल भक्त के रूप में और ग्रंथ के रूप में। जब हम तीनों के शरण में जाएंगे तब जाके चंद्र ग्रहण होगा और सूर्य ग्रहण होगा, है ना। तीनों के शरण में जाना पड़ेगा, साधु, शास्त्र और भगवान, विग्रह भगवान। अर्थात तीनों को एक ही समझना है, परंतु हम भी दीक्षा लिए हैं, हम भी घर पे भगवान का विग्रह रखे हैं, साथ साथ गुरु का फटा भी रखे हैं, है ना, गुरु को पूजा भी करते हैं। क्या हमारे गुरु और भगवान में समझ से समान देख रहे हैं ना, अलग देख रहे हैं। क्या गुरु में हमारा भगवत भावना आ रहा है, हमारे गुरु कृष्ण से अभिन्न है ये भावना हो रहा है, ये जो भगवत भावना, ये जो भगवतीय चेतना है, क्या ये चेतना हमारे बीच में आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तब कैसे हमको वो जो दुर्लभ प्रेम है, कृष्ण चरण कमल है, कैसे प्राप्त होगा। हम तो सोचते, हम तो कभी कभी गुरु को भी उपदेश दे देते हैं, है ना, गुरु जी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मेल कर देते हैं, फोन कर देते हैं, साक्षात सामने भी रहते हैं तो हम कर देते हैं। और कभी कभी हम अपने को दिखाने चाहते हैं, गुरु महाराज हम इतने किया है, ये सेवा किया, ये सेवा किया है। और कभी कभी हम कहते हैं गुरु जी हमको ये दे दो, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, मुझे कई पद पद भी दे दो, है ना। ये सब भावना क्यों हो रहा है, हम गुरु को कृष्ण से अलग समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वो नहीं जान पा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए मुझे जानकारी देना है, मुझे क्या जरूरत है उनको पता ही नहीं है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ मुझे ये प्रेसिडेंट दे दो, मुझे इंचार्ज बना दो, उनको पता ही नहीं है। क्या कृष्ण को पता नहीं रहता है, कृष्ण को पता नहीं रहता है, रहता है। तो अगर कृष्ण को पता है तो हमारे गुरु को भी पता है, सब कुछ पता है, क्योंकि वो कृष्ण से अभिन्न है। जिस दिन जिस पल ये भावना हमारे भीतर जागृत हो जाएगा, उसी दिन उसी पल हमको श्री कृष्ण के चरण कमल की सुगंध प्राप्त हो जाएगा, निसंदेह है इसे, परंतु हमारे नहीं होता है, हमारे नहीं होता है। पर साक्षात कृष्ण कह रहे हैं आचार्य माम बिजानियात, साक्षात मैं गुरु रूप में मैं ही हूं,
वो कह रहा है कि मैं ही गुरु हूं, और हम अलग सोचते हैं, है ना? क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि हम तो एक ट्रेडिशनली शिष्य बन गए हैं, वास्तव में हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है। इसलिए अलग अलग शब्द लिखा गया, इधर शिष्य लिखा गया, शरणागत लिखा गया। फिर इसका अर्थ क्या, शिष्य मतलब तो शरणागति है, क्यों अलग अलग लिखा गया? न भगवान जानते हैं कलेजे में ऐसे शिष्य आएंगे, है ना? नहीं, इसलिए अर्जुन से मुख से बुला रहे हैं, तुम क्लियर कर दो, शिष्य बनना है, पूर्ण रूप शरणागत शिष्य बनना है। पूर्ण रूप शरणागत शिष्य का क्या अर्थ होता है? पूर्ण रूप शरणागत अर्थ है गुरु हमारे जैसा नहीं है, गुरु मनुष्य नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। कृष्ण को सब कुछ पता रहता है, वो अंतर्जामी है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीजायंट, ऑलमाइटी, सब कुछ है। तो गुरु भी ऐसा ही है, उनको कुछ कहना जरूरी नहीं है, कुछ मांगना जरूरी नहीं है। गुरु को मांगना क्या है, मांगने से क्या मिलता है? ये जो कृष्ण प्रेम है व भगवत भक्ति है, ये मांग कर नहीं मिलता। मांगा तो भिक्षा, भिक्षा को मांगा जाता है, भीख मांगेंगे तो मिलेगा, और भीख कितने दिन रहेगा? मैं किसको मांगू, प्रभु जी मुझे थोड़ा डोनेट कर दो, कुछ दे दिए, 10,000 दे दिए, कितना दिन रहेगा? 1,00,000 दे दिए, कितना दिन रहेगा? क्योंकि ये सारे जड़ है, भिक्षा मांगना जड़ है, तो जो मिलेगा वो भी जड़ है। जड़ तो क्षणस्थाई है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है, पर भक्ति भिक्षा नहीं है। भक्ति क्या है? संपूर्ण कृपा के ऊपर निर्भरशील है। हमारे साधन से हम भगवान को प्राप्त नहीं करते। हम जब मंगलाती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसी में हम भगवान को प्राप्त कर देंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते हो। भगवान क्या क्या कह रहे हैं? अतो श्री कृष्ण नामादि न भवत ग्रहायन इंद्रिया। अतो श्री कृष्ण नामादि, नामादि मतलब नाम जप करना है, ग्रंथ प्रचारना करना, ग्रंथ प्रचार करना है, झाड़ू लगाना है, मार्केटिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, जो सब आदि जो सब कुछ है। न भवत ग्रहम इंद्रिया, हमारे इंद्रिया द्वारा जो कुछ कर रहे हैं, हम इतना सुन रहे हैं, 24 घंटा में भागवत सुन रहा हूँ, हमारे इंद्रिया तो जड़ है, हमारे कर्ण तो जड़ है, जड़ इंद्रिय द्वारा हम ये चीज वस्तु को श्रवण करके कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना? कभी संभव नहीं है। ये संभव कैसा है? केवल कृपा द्वारा। ओनली द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। प्रभात कृष्ण भी नहीं लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रभात लिखते हैं, इन दिस कलयुग इट इज नॉट सो इजी टू बी ए बोनाफाइड डिवोटी, बट इट इज पॉसिबल ओनली द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ओनली द मर्सी, ये लिख रहे हैं, ओनली मर्सी, केवल कृपा। बाकी आप जितने भी प्रयास कर लो, साधन कर लो, कुछ नहीं होने वाले हैं। कोटि जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तथापि नाहि कृष्ण चरण प्रेम। कोटि जन्म हम एक ए जन्म का सुबह क्या खाए थे, क्या किसको याद है सुबह क्या खाए थे? याद नहीं है यार। कोटि कोटि जन्म में क्या क्या किया है, आगे क्या करेंगे, क्या पता है? अगर हमको कृष्ण प्रेम पाना है, अगर हमको वास्तव धर्म के संबंध में जानना है, अगर हमको वास्तव कर्तव्य को जानना है और हमारी समस्या का समाधान करना है, तो संपूर्ण रूप हमको निर्भरशील होना पड़ेगा कृपा के ऊपर। किसका कृपा? गुरु की। चैतन्य महाप्रभु कौन है? सख्या गुरु है, कृष्ण ही गुरु रूप में आए हैं।
भक्त के रूप में आए हैं, तो उनके परंपरा में जो सब है आचार्य की कृपा और गुरु की कृपा, हमारे हमारे जैसे भक्त को नहीं है। हम गुरु ग्रहण किए हैं, बीच में भी और माध्यम बहुत रखते हैं, ओ प्रभु जी ऐसा कहे, ओ प्रभु जी ऐसा कहे, ओ प्रभु जी को थोड़ा मैसेज डाल के बता देना है कि मैं इतना गीता टीचिंग किया है ना, वो भी जान जाए। अरे जानना तो वो जाने हैं सब, वो तो हमारे गति को जानते हैं, इसलिए उनका चरण में आश्रय दिए हैं। करोड़ों जीव है, 130 करोड़ व्यक्ति है इंडिया में, कितने ये भक्त गुरु के शरण में आए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? और हमारा गति को जानते हैं इसलिए हमको आश्रय दिए हैं, और जानकर क्या देना है? अभी हमको क्या करना है, भिक्षा नहीं मांगना है, गुरुजी मुझे ये दे दो, हमको इतना कुछ करना है कि वो अपने आप कृपा कर देंगे। स्पॉन्टेनियस कृपा मीन्स स्पॉन्टेनियस ब्लेसिंग, स्वतःफूर्त बाबर जो लाए, ठीक है बेटा मैं हूं ना, हो गया। और तथास्तु कह देंगे, तथास्तु इसमें क्या होने वाले है, तथास्तु तो ऐसे मेरे को जैसे कहते हैं कि मेरे प्रभु जी थोड़ा कृपा कर दें, मैं मेरे कृपा से कुछ होने वाला तो मैं सब पूरा हाथ उठा के कर देता हूँ, सबको कृपा कर दिया जाओ, लेकिन होने वाले नहीं है कुछ। कई तथास्तु कह देने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे तो मोदी डेली कह रहा है, हर दिन प्रोग्राम कर रहा है, हर दिन तथास्तु कर रहा है, कभी काशी में जाकर तो कभी अयोध्या में जाकर, है ना, लेकिन होने वाले क्या है, उसमें कुछ नहीं होने वाले, हमको करना है। तो ये कह रहे हैं साधी मांग प्रकन्ना, मैं आपका चरण कमल पर पूर्ण रूप से शरण में आ गया है। पूर्ण रूप से शरण मतलब क्या है, मानस देह गेह जो कुछ मारा अर्पित पदे नंद किशोर, जो कुछ मेरा है सारे आपका चरण में दे दिया, सब आपका ही है, मैं आपका सेवक मात्र हूं, सेवा कर रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं। पर हमारे नहीं हो रहा है, हमारे मन में ईगो आ जा रही है, ये हमारे मंदिर है, ये हमारे इस्कन की है, क्या इस्कन की मंदिर थोड़ी है, मंदिर तो कृष्ण की है ना, कृष्ण की मंदिर है, हम केवल कृष्ण का सेवक है। तो पूर्ण रूप से शरणागत कैसा होना है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेखन्ति ते ज्ञानं ग्रामीण तत्दर्शिना। सेवा करना पड़ेगा, प्रणिपात करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। हम तो हरे कृष्ण बनने में भी शर्माते हैं, इधर उधर देखेंगे कोई नहीं है तो ठीक है एक बार हरे कृष्ण बोल देंगे, कोई है तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो प्रणिपात है ना, परिप्रश्न है ना, सेवया सेवा द्वारा, सेवा द्वारा संतुष्ट करके प्रश्न करना है। और हम प्रश्न क्या करते हैं, हम तो एडवाइस कर देते हैं, हम भक्तों को गुरु को एडवाइस कर देते हैं, गुरु जी ये करने अच्छा होता, अच्छा है गुरु जी को पता नहीं है क्या करना अच्छा है, इसलिए कुछ जगह है वो जगह पर ज्यादा नियरस्ट नहीं रहना चाहिए, उनमें से गुरु एक है, गुरु के पास में ज्यादा पास में नहीं रहना चाहिए कि ज्यादा दूर में नहीं रहना चाहिए, गुरु के ज्यादा पास में रहेंगे तो ज्यादा ऑफेंस होगा, ज्यादा दूर में रहेंगे क्या होगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा, बीच में रहना चाहिए। राजा राजा से भी ज्यादा दूर में रहने कुछ नहीं मिलने वाले, पास में रहो कभी वही शूट कर देगा, पॉलिटिशियन का पास में ज्यादा पास में रहो तो वही शूट कर देगा, स्त्री स्त्री से ज्यादा पास रहोगे जला देगा हैं, और ज्यादा दूर में रहोगे भटकते रहोगे, सोचते रहोगे मैं मंदिर में बैठा हूँ के वो घर पे क्या कर रहा है ना, पास में भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इसलिए गुरु के पास तो ज्यादा नहीं रहना चाहिए जब तक हम योग्य नहीं है,
एक बार प्रभुपाद कमर में है, तमाल कृष्ण महाराज है और प्रभुपाद का कमरे में एक गडरज है, गडरज में कुछ पैसा है खुला था, तो प्रभुपाद को बाथरूम जाना था, अकेले तमाल कृष्ण महाराज है, पर प्रभुपाद ने गडरज को लग गया, फिर बाथरूम गए, तो आपस आए, फिर खोल दिए, बैठे रहे तो खोल दिए, तो महाराज ने पूछा, तमाल कृष्ण महाराज ने पूछे कि प्रभुपाद आप ऐसे क्यों किया, क्या उत्तर दे सकते हैं प्रभुपाद, आपका अंदर क्या आ रहा है, सुनाई दे रहा है ठीक से क्लियर, प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया होगा, क्या प्रभुपाद को तमाल कृष्ण महाराज के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या हमारे गुरु जी हमको विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्म निवेदन सही करे गुरु तरे माने निज सम, अपना परिवार का पुत्र रूप में मानते हैं, हमारे पिता तो कभी कभी हमको दूर कर देते हैं, पर हमारे आध्यात्मिक गुरु कभी भी हमको दूर नहीं करते, भले हम उसको त्याग देते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण गोलक वृंदावन में नित्य सुख को छोड़ करके ये जगत में आते हैं केवल हमको ही कृपा करने के लिए, और हमसे दूर कैसे रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहते हैं, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्या आ रहा है मन में आपका, क्यों किया ऐसा, क्या उत्तर दिया होगा प्रभुपाद, प्रभुपाद ने यही उत्तर दिया, तुझे बचाने के लिए, तुझे बचाने के लिए मैं ये ताला देके गया, तो पैसा लेकर से उनको क्या कमी था क्या, लेकिन क्या होगा, विनाश, लेकिन गुरु का काम है शिष्य को बचाना है, कृष्ण चरण को प्राप्त कराना है, नष्ट नहीं करना है, इसलिए हम क्रोध करके गुरु को त्याग देते हैं, पर गुरु कभी भी त्याग देता नहीं है, गुरु कभी क्रोध करके शिष्य को त्यागा नहीं है, किसी को भी, भले कितने भी हम तो योग्य नहीं है, हम तो कुछ करते भी नहीं है, बल्कि उल्टा करते हैं, जो निर्देश दिया है निर्देश का हम उल्टा भी करते हैं, परंतु गुरु कभी नहीं त्यागता है, ये भावना हमारे रहना चाहिए, गुरु प्रति हमारे जो भावना है वो रहना चाहिए, ईश्वरपुरी राम और कौन था उनके रामपुरी रामचंद्रपुरी वो सुना है उसको, माधवेंद्रपुरी का धनु शिष्य है, चैतन्य महाप्रभु का गुरु ईश्वरपुरी और उनका गुरु भ्राता रामचंद्रपुरी, वो रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के पास हमेशा ही रहते थे पास पास, और माधवेंद्रपुरी पूर्ण कृष्ण चैतन्य में उद्भूत रहते थे, तो रुद्र थे है ना, जो रुद्र हैं रामचंद्रपुरी उनको एडवाइस करते हैं, आप क्यों रो रहे हो, आप भगवान को चिंतन करो ना, ब्रह्म को चिंतन करो, गुरु एडवाइस कर रहे हैं, हमारे पास इतना योग्यता नहीं है कि हम गुरु का भावना को जान लें, गुरु क्यों रो रहे हैं, गुरु ऐसे निर्देश क्यों कर रहे हैं, गुरु ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हम नहीं जान पाते, इसलिए हमको जरूरी नहीं है उनको सवाल करना, हमको जरूरी नहीं है उनको एडवाइस करना, और सब कुछ जानते हैं, साक्षात कृष्ण है वही गुरु, साक्षात कृष्ण ही है, क्या नहीं जानते हो, तो जब हमारे अंदर यही भावना को तैयारी करना पड़ेगा, यही धर्म है, यही कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य नहीं है, बाकी जो कर्तव्य कर रहे हैं वही कर्तव्य को, वही धर्म को त्यागने के लिए भगवान कह रहे हैं, जो सर्वधर्म परित्यज्य, सारे कर्तव्य को त्याग दो, कौन सी कर्तव्य, वो वाला कर्तव्य, जो कर्तव्य जो कर्म हमको भगवत
चेतना से दूर कर रहा है उसको त्याग दो। साधिमान त्वं प्रपन्नम्, पूर्ण रूप में मैं आपका शरण में आया हूं। तो भगवान ने ज्ञान देना शुरू करा। क्यों? धर्म क्या है? धर्मा सतत्व निहित गुहाय महाजन जैन गतस्य पंथा। धर्म वही है, हमारे कर्तव्य वही है जो आचार्य लोग बताते हैं, जो हमारे गुरुजी ने बताया है, वही कर्तव्य है, वही धर्म है। धर्म सतत्व निहित गुहाय, आचार्य का, गुरु का हृदय अंदर धर्म छुप के रहता है। जब हम सेवा करके उनको प्रसन्न कर देंगे तो वो हमारे ऊपर वो कृपा को बरस देंगे। महाजन जैन गतस्य पंथा, जैसे महाजन लोग करते हैं, श्रेष्ठ भक्त लोग करते हैं, हमको वही पंथा को अनुसरण करना है। अनुकरण नहीं करना है, दोनों शब्द अलग अलग है। अनुकरण करना, अनुसरण करना, ये अलग अलग है। अनुसरण करना है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, जब हमको जसोदा मैया नहीं बनना है, हमको नंद बाबा नहीं बनना है, परंतु जसोदा मैया नंद बाबा जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम करते थे, ऐसे हमको प्रेम करना है कृष्ण को। पर हम नहीं कह सकते कि नंद बाबा जैसा कृष्ण को, भाई तुम हमारे कठोर लेके आ जाओ है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर तुम कर रहे हैं सब, कृष्ण के रूप में गुरु है, हम गुरु को कई एडवाइस करते हैं, इसका अर्थ वही है कृष्ण को एडवाइस कर रहे हैं, हम कृष्ण को एडवाइस कर रहे हैं, तो हमारे गति कहाँ होगा? केवल सेवा ही कर जाओ। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं ना, जब कृष्ण को ढूंढते हो, कृष्ण को ढूंढते हो, अगर मिल जाए तो उसके बाद क्या करोगे, है ना? कृष्ण मिल गया, कृष्ण मिल जाए तो क्या करोगे, फिर क्या मांगोगे आप बताओ? आपको मिल गया कृष्ण, करोगे क्या? है भक्ति मांगोगे? भक्ति तो अभी कर रहे हैं, तो मांगना क्या था, करते रहो। और दर्शन करके क्या करना है? दर्शन करके भी वही मांगना है जो आप अभी कर रहे हैं, तो दर्शन करने के लिए तत्पर होना क्या जरूरी है? वही करते रहो ना। एक बार दिख जाए तो अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा? अच्छा, जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं ना, प्रेम जो प्रेम करते हैं ना, वो भी यही सोचते हैं, एक बार घर बसा लेगा फिर जो होगा देखा जाएगा। घर बसने के बाद होता है जो होना है, होता है ना। पर तब तो सोचते रहते हैं कितना दिन ऐसे करेंगे, वो तेरा घर वाले आने नहीं देते, मेरा घर वाले आने नहीं देते, कितना दिन चलेगा, चल घर बसा लेते हैं। घर बसा लिया फिर जिंदगी भर रोना ही रोना है। रो रहे हो किस, मुस्कुरा रहे हैं सारे? रो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? यही है ना सबका, सबका ये। केवल आपने शादी किया तो ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं किया था, ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये जगत में जो भी आए हैं सब ऐसे ही है। हम सारे रो रहे हैं पर हंसने का बहाना कर रहे हैं, है ना? 90 साल का बीमारी जो है, 90 साल के बूढ़े हैं, घर पे हैं, अगर उनको जाके पूछो और दिख नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, ऐसा अवस्था में उसको जब पूछो, बाबूजी आप कैसे हो? ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है, तब भी ठीक है। मतलब क्या है? हम रो रहे हैं पर हंसने की बहाना कर रहे हैं, है ना? ना तो ऐसी प्रकार है ये अंधकोश है।
अंधकूप से हमको निकलना है और ये केवल संभव है गुरु की कृपा से, चेतना महाप्रभु की कृपा से। वह चेतना महाप्रभु का परंपरा में आए हुए भक्तों की कृपा से, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भक्तों का कृपा के अलावा तो भगवान कहते हैं क्या कहते हैं भगवान एकादश स्कंद में उद्धव को कहते हैं, अनुब्रजामि नित्यहं, मैं घूमता हूं मेरे भक्तों का पीछे मैं घूमता हूं। भगवान घूमते हैं भक्त हाँ भक्तों का पीछे और हम उसको एडवाइस कर रहे हैं। भगवान उनका भक्त का पीछे घूमते रहते हैं नित्य अनुब्रजामि नित्यहं, मैं भक्तों का पीछे घूमता रहता हूं। पर कौन सा भक्त है, क्या हमारे जैसा भक्त है? नहीं। कौन सा भक्त है वो? निरपेक्ष मुनि शांत, निरपेक्ष मुनि शांत, जो निरपेक्ष है, पक्षपात नहीं है। यह भक्त है, यह भक्त है, सीनियर है, जूनियर है, ये स्कंद का है, ये क्या सामानंद का है, रामानंद का है, इत्यादि भेदभाव नहीं है। कृष्णमय जगत, कृष्णमय कृष्ण जही भीतर बाहिरे, जही जही नेत्र पड़े तही कृष्ण स्पोरे। गुरु हमको लगता है कि गुरु ऐसा है, गुरु भी स्कंद का है। कभी कोई गुरु के पास कोई अभक्त को लेके जाओ, कोई सिख वाला को लेके जाओ, तो पता चलेगा गुरु कैसा व्यवहार करता है। हम कुछ जैसे करते हैं उसको भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सभी समान है। कृष्ण वही कृष्ण जार भीतर बाहिर, जो कृष्ण को साक्षात अंदर धारण कर रहे हैं उनको बाहर में क्या अलग दिखेगा? क्या अलग दिखेगा उनको? दिखेगा वो सिख वाला है, दाढ़ी वाला है, स्कन वाला है, मंडन करके चका चक है, ऐसे दिखेगा क्या? तो हर जगह कृष्ण को ही देखेगा। जही जही नेत्र पड़े तही कृष्ण स्पुरे। बाकी जितने दिन है केवल अभिनय करना है, है ना? जैसे हंसने की बहाना करते हैं, इसी प्रकार सबके साथ ही बहाना ही करना है। पर असल तो करना है कि हम केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो करना है। तो जब पूर्ण रूप से शरणागत हो गए तब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया, उनमें से बढ़िया ज्ञान दिया शुरू किया। क्या बोला? हमारा क्यों नहीं हो रहा है? पहले बताया ईगो है, क्यों होता है? हम इस शरीर को सब कुछ मानते हैं, ये हमारे शरीर और शरीर संबंधित, इसको ही सब मानते हैं। इसलिए तो है ये मेरा बेटा है, है ना? ये ब्रह्मचारी लोग कहाँ कहाँ आके यहाँ पड़े हैं, ये मेरा गांव का है, ये मेरा इस्कन का है, शरीर और शरीर संबंधित, इसको सब कुछ मानते हैं। इसलिए भगवान शुरुआत वहीं से किया, देहि नस्मिन् यथा देहे कौमार जो बन जरा तथा देहांतर प्रति धीर तत्र नमोहति। अगर शरीर ही सब कुछ है, शरीर तो छोटे था, कितना कोमल है बच्चे, कितना कोमल है, प्यारा है, हैं? जितने जितने बढ़ता है उतने उतने उनके प्रति प्यार हमारे कम हो क्यों जाता है? बीमारी हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है, क्योंकि वो भी क्षण स्थायी है। सुबह का सूर्य फिर मध्याह्न में सीधा हो जाता है, फिर पूर्वाह्न में अस्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन है, जो ही सोचने शुरू कर देंगे हम तब क्यों और ये अलग अलग सोचेंगे, ये हमारे है ये। कल मेरे को कोई कह रहा था, वो कोई ब्रजवासी भक्त का साथ मिल रहा था, तुम उसके साथ क्यों मिल रहे हो? किसके साथ मिल रहा है? सारे कृष्ण का अंश है,
माँ मीमांस जीव रत जीव भूत सनातना, सारे तो कृष्ण के अंश है। ये फर्क तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा देहात्म बुद्धि से है। देह और देहात्मा मतलब देह संबंधित, ये शरीर और शरीर संबंधित ज्ञान में हम ज्यादा रहते हैं। जो ये छूटना शुरू कर देंगे, जो ये भूल जाएंगे कि ये नहीं है, वास्तव में तो है नहीं। अगर शरीर ही हम ही शरीर है, पर एक दिन शरीर छोड़ के क्यों चला जाना पड़ता है ना। इसलिए पूर्ण रूप से गुरु की शरण में आना है, गुरु की सेवा करना है। गुरु से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल सेवा करते जाओ। सेवा भी है वाणी सेवा, बहु सेवा, कभी कभी जाकर बहु सेवा करो, ज्यादा पास में ना रहो लेकिन वाणी सेवा करो, है ना। और पूर्ण रूप से निर्भर से रहे कृपा के ऊपर, उसके अलावा कोई गति नहीं है। यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादत गति कर्तव्य, यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद, क्यों जिसका प्रसाद से ही भगवत प्रसाद मिलता है, भगवान का कृपा मिलता है। न गति को तो अभी उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। गुरु की कृपा लावा, गुरु के प्रसाद के लावा कोई गति नहीं है। इसलिए और एक क्या भजन है, भगवान का ना वैष्णव कहे न माना, गोविंद कहे न ना, गोविंद कहे न क्या बोल जा रहा, गोविंद कहे न वैष्णव हमारा प्राण बना सका है। हम भगवान कहते हैं कि वैष्णव मेरा प्राण है। प्राण मतलब क्या समझ रहे हो, प्राण नहीं रहता हमारा जीवन शरीर तो नहीं है, शरीर में प्राण है तो हम जीवित हैं। अब कृष्ण जीवित है कि वैष्णव है, वैष्णव नहीं है भक्त नहीं है तो कृष्ण नहीं है। इसलिए अभी कृष्ण का फटक अभी देखो, कृष्ण अकेले कहाँ पे नहीं है, भक्त के साथ है, कभी राधा रानी के साथ है, कभी गाय का साथ है, कभी बलराम जी के साथ है, कभी गोप सखा के साथ है, अकेले नहीं रहते क्योंकि वैष्णव का प्राण। इसलिए कृष्ण के रूप में गुरु भी है। इसलिए गुरु के पीछे भागना है, गुरु के पदांग को अनुसरण कर, कैसा आमित तो कांगा कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। कांगल शब्द शब्द जानते हो ना, कांगल कैसा देखा है, कांगल कहाँ देखा है, कांगल देखे हो, कांगल शब्द समझ रहे हो, कांगल क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है। पर अभी तो भिखारी भी कहते हैं 20 रुपया दो है ना। पर अभी देखो कांगल, कांगल का प्रैक्टिकल है कि कांगल है, आपने कभी देखा होगा कोई बच्चे आके भीख मांगता है, पैसा मांगता है, आप देते नहीं है, भागते जाते हो, फिर आपका पीछे पीछे जाता रहता है, बहुत दूर तक जाता है। खास करके आप जब ब्रजमंडल में परिक्रमा करोगे, ब्रजमंडल गांव गांव में घूमोगे तो उधर का बच्चे सब आ जाएंगे ऐसे, वो बहुत दूर दूर तक चलते रहेंगे आपके साथ, 1 रुपया 2 रुपये का लिए, मतलब अब गाली दोगे नहीं देना है, पीछे भागना है, ऐसा करना है, फिर भी वो पीछे पीछे चलता रहेंगे। तो आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। इसी प्रकार मैं भी भिखारी हूं, भीख मांगना नहीं है, भिखारी हूं, केवल गुरु का पीछे पीछे भागना है, गुरु से कोई मांगना नहीं है, भागना है। और देंगे नहीं, वो उपेक्षा करेंगे हमको। गुरु कभी कभी हमसे हमारा सेवा भी छीन लेते हैं,
कभी कभी हमको गाली भी देते हैं, गाली दे, गाली दे, दे तो मतलब हो गया उसका एक शिष्य कम होगा गाली देगा तो उसका खराब है, ऐसा कुछ अच्छा है पद थोड़ा छीन लिया तो चलेगा, पर गाली दिया तो फिर उसको एक डिवोटिक होना पड़ेगा। अभी ऐसा है नहीं, उपेक्षा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर ले, पर मैं तो आपका चरणाश्रित हो। इसलिए गुरु के साथ रहना है, संबंधों में सावधान मत है, अत्यंत केयरफुली। जैसे मैं बताया ना, इन सारे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे आग भी ऐसा है, आग से दूर रहना चाहिए, ज्यादा पास में रहोगे तो जला देगा, ज्यादा दूर में रहोगे तो उसका ताप नहीं मिलेगा, है ना। पर गुरु बंधु में सावधान मत है, गुरु भक्त आग जैसा ही है, हम नहीं समझ पाएंगे उनका भावना क्या है, क्या चिंतन कर रहे हैं, पर हम अपना व्यवहारिक ज्ञान में देखेंगे, व्यवहारिक रूप में सोचेंगे तो सारे गड़बड़ हो जाएगा। दुर्लभ मनुष्य जीवन को हमको व्यर्थ गवाना पड़ेगा, व्यर्थ देना पड़ेगा निश्चित। तो इसलिए ये भगवत गीता ही है, हमको अपना वास्तव कर्तव्य, वास्तव धर्म संबंध में निर्देश करता है। अगर हम डेली ये भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, डेली पढ़ना पड़ेगा। पर कैसे पढ़ना है, अपने आप पढ़ने से नहीं होगा, भागवत पढ़ गया भागवत स्थान है, भागवत भक्तों के साथ जाके बैठ के भगवत भक्तों का शरण में रहकर पढ़ना है। इसलिए प्रभुपाद जो सेंटर, हर मंदिर में, हर सेंटर में क्या करते हैं, सुबह शाम भागवत पाठ किया जाता है। आइए आप लोग, यहाँ भी हो रहा है, आप लोग आइए डेली बैठ के भक्तों के साथ भागवत की शिक्षा कीजिए, जो भागवत शिक्षा हमको गुरु चरणाश्रित कराएगा, गुरुपति हमारे भगवत भावना को सृष्टि करेगा, गुरु साधना जीव नहीं है, ये भावना को सृष्टि कराएगा। हो गया शायद टाइम हो गया, तो ये इसलिए शिष्य बनना है और सेवा करके उनका कृपा को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवद गीता यथाजथ की, शील प्रभुपाद की।